बजट सत्र की नवीन जानकारी और अन्य करंट जीके बहुत ही महत्वपूर्ण। 2022 तक किसानों की आमदनी को कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? दोगुना। 5G प्रौद्योगिकी के लिए स्वदेशी टेस्ट बेड कहाँ खोला जाएगा? चेन्नई में। स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर चुने गए? 99। रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया है? 1,48,000 करोड़ रुपए। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए कितना फंड रखा गया है? 1,400 करोड़ रुपए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की है? क्लस्टर विकास योजना। उड़ान स्कीम के तहत कितने एयरपोर्ट जोड़े जाने हैं? 56। बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए कितना बजट पास हुआ है? 17 करोड़ रुपए। उड़ान स्कीम के तहत कितने नए हेलीपैड को जोड़ा जाएगा? 31। डिजिटल इंडिया के नाम कितना बजट रखा गया है? 373 करोड़ रुपए। कृषि उत्पादन कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी गई है? 100%। 250 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर पर कारपोरेट टैक्स कितना होगा? 25%। उपराष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 4,00,000 रुपए। वित्त वर्ष 2018 का वित्तीय घाटा कितने रहने की संभावना है? 3.5%। नया बजट सिस्टम 2018 कब से लागू होगा? 1 अप्रैल। हेल्थ एजुकेशन सेल्स बढ़ाकर कितना कर दिया? 4%। मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी कर दी? 20%। शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? राइज। पशु व मछली पालन के लिए कितना फंड रखा गया है? 10,000 करोड़ रुपए। बजट 2018 के तहत कितने मेगा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य है? उत्तर 41। सिंचाई योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? 2,600 करोड़ रुपए। बजट 2018 की सबसे अहम योजना कौन सी है? आयुष्मान प्रोग्राम। ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितना आवंटन रखा गया? 1,000 करोड़ रुपए। इस बजट में नया रेलवे यूनिवर्सिटी बनाना प्रस्तावित किया है, ये कहां पर बनाया जाएगा? वडोदरा। हर गरीब का अपना घर होगा, ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? 2022 तक। पीएम आवास योजना के तहत इस साल कितने नए आवास बनने का लक्ष्य रखा है? 51,00,000। पीएम सौभाग्य योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? 16,000 करोड़ रुपए। प्रत्येक परिवार को कितने हेल्थ बीमा देने का लक्ष्य रखा गया है? 5,00,000 रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 7वीं। कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 1,00,000। 35,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, इसके तहत कितना बजट रखा गया है? 5.3 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5,00,000। महिलाओं के लिए पीएफ कटौती कितनी रखी गई है? 8%। युवाओं के हित में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? स्टार्टअप इंडिया। सड़क निर्माण के तहत कौन सी परियोजना की शुरुआत की? भारतमाला। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? ओम प्रकाश सिंह, 1983 के बैच के। भारत के नवनियुक्त विदेश सचिव विजय केशव गोखले, इसका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने हाल ही में
आधार दर में कटौती की है। इस कटौती के बाद का SBI का आधार दर है 8.65% 0.30 की कमी की गई है। हाल ही में संपन्न रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब की विजेता टीम है विदर्भ टीम। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पारगमन समझौते को मंजूरी दी है? म्यांमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के अंतर्गत कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थों की पैकिंग जूट के थैलों में अनिवार्य कर दी है? 90%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जोजिला सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न बातें हैं। इसका मकसद कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह और राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए P8I सिमुलेटर सौदे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निम्न कथन है? ये सिमुलेटर मेसर्स बोइंग से खरीदे जाएंगे। इससे नौसेना बहुत कम लागत पर पायलटों को इस विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण दे सकेगी। ये विमान लंबी दूरी की पनडुब्बी युद्ध रोधी तथा समुद्री तटों की निगरानी जैसी सामरिक जरूरतों के लिए लैस हैं। महाराष्ट्र ओपन चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 के खिताब पर जीत दर्ज की है जिल सिमोन ने। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दी है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समलैंगिकता को अपराध माना है? धारा 377। हाल ही में आयोजित शीर्ष पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्न बातें कथन सत्य हैं। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ये वार्षिक सम्मेलन है जिससे देश के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं। सिक्किम राज्य ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है AR रहमान को। भारत ने हाल ही में अब तक का सबसे तेज और पहला मल्टीपेटा फ्लोटस सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। इस संदर्भ में निम्न बातें सत्य हैं। ये कंप्यूटर पुणे में स्थापित किया गया है। इस कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष दिया गया है और इससे मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार होगा। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख अध्यक्ष हैं K. Sivan। 3 वर्ष का कार्यकाल है इनका। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। गैलप इंटरनेशनल के सालाना सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के शीर्ष लोकप्रिय नेताओं में स्थान दिया है 3। प्रथम एनजीएला। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में उपग्रह कार्टोसेट 2 समेत 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ये कथन है? ये प्रक्षेपण में भारत के 3 और अन्य 6 देशों के 28 उपग्रह शामिल हैं। ये
प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस केंद्र से PSLV-C-40 रॉकेट के जरिए किया गया। ये प्रक्षेपण इसरो के प्रमुख AIS किरण कुमार की अध्यक्षता में किया गया। आर्थिक लोकतंत्र सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया है ठाणे, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 14 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2018 में मनाया गया है, ये 17वां सेना दिवस है। 70 मोताइनाई ग्रेडमार नाम की पुस्तक हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। ये पुस्तक मूल रूप से लिखी गई है जापानी भाषा में और इसके रचनाकार हैं मार्को शिंजू और मोताइनाई ग्रेडमा। इसका हिंदी में अर्थ है क्या बर्बादी है। भारत का किस देश के तटरक्षक बलों के साथ द्विवार्षिक खोज एवं बचाव अभ्यास हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। जापान से 17 जनवरी से शुरू हुआ। अग्नि-5 मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया कि इस संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। ये परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 मार्क क्षमता वाली है। निम्न में से किन राज्यों में फरवरी 2018 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। इसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड हैं। ICC द्वारा हाल ही में दिए गए वार्षिक पुरस्कारों के संदर्भ में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ है। बच्चों को दिए जाने वाला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत वर्ष 2018 का भारत पुरस्कार दिया जाएगा कुमारी नाजिया को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले 3 सबसे बड़े देश हैं क्रमशः मॉरिशस, अमेरिका और ब्रिटेन। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश हाल ही में राष्ट्रपति से की है। मैं कौन सा ये निम्न कथन इसमें सही है। लाभ का पद लेने के आरोप में इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की गई है। नंबर 1। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) सांसद या विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। और नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(a) और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(a) के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है। भारत ने ब्लाइंड विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का खिताब किसे पराजित कर जीता है, पाकिस्तान को हराकर। हाल ही में जारी व्यावसायिक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता के नियंत्रण सूचकांक में भारत को स्थान दिया है 81वां, फर्स्ट स्विट्जरलैंड। श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। बजट सत्र की नवीन जानकारी और अन्य
करंट जी के बहुत ही महत्वपूर्ण 2022 तक किसानों की आमदनी को कितने करने का लक्ष्य रखा गया है, दोगुना। 5G प्रौद्योगिकी के लिए स्वदेशी टेस्ट बेड कहाँ खोला जाएगा, चेन्नई में। स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर चुने गए, 99। रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया है, 1,48,000 करोड़ रुपए। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए कितना फंड रखा गया है, 1,400 करोड़ रुपए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की है, क्लस्टर विकास योजना। उड़ान स्कीम के तहत कितने एयरपोर्ट जोड़े जाने हैं, 56। बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए कितना बजट पास हुआ है, 17 करोड़ रुपए। उड़ान स्कीम के तहत कितने नए हेलीपैड को जोड़ा जाएगा, 31। डिजिटल इंडिया के नाम कितना बजट रखा गया है, 373 करोड़ रुपए। कृषि उत्पादन कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी गई है, 100%। 250 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर पर कारपोरेट टैक्स कितना होगा, 25%। उपराष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 4,00,000 रुपए। वित्त वर्ष 2018 का वित्तीय घाटा कितने रहने की संभावना है, 3.5%। नया बजट सिस्टम 2018 कब से लागू होगा, 1 अप्रैल। हेल्थ एजुकेशन सेल्स बढ़ाकर कितना कर दिया, 4%। मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी कर दी, 20%। शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है, राइज। पशु व मछली पालन के लिए कितना फंड रखा गया है, 10,000 करोड़ रुपए। बजट 2018 के तहत कितने मेगा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य है, 41। सिंचाई योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, 2,600 करोड़ रुपए। बजट 2018 की सबसे अहम योजना कौन सी है, आयुष्मान प्रोग्राम। ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितना आवंटन रखा गया, 1,000 करोड़ रुपए। इस बजट में नया रेलवे यूनिवर्सिटी बनाना प्रस्तावित किया है, ये कहां पर बनाया जाएगा, बड़ोदरा। हर गरीब का अपना घर होगा, ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा, 2022 तक। पीएम आवास योजना के तहत इस साल कितने नए आवास बनने का लक्ष्य रखा है, 51,00,000। पीएम सौभाग्य योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, 16,000 करोड़ रुपए। प्रत्येक परिवार को कितने हेल्थ बीमा देने का लक्ष्य रखा गया है, 5,00,000 रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 7वीं। कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, 1,00,000। 35,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, इसके तहत कितना बजट रखा गया है, 5.3 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5,00,000। महिलाओं के लिए पीएफ कटौती कितनी रखी गई है, 8%। युवाओं के हित में किस कार्यक्रम की शुरुआत की, स्टार्टअप इंडिया। सड़क निर्माण के तहत कौन सी परियोजना की शुरुआत की, भारतमाला। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है, ओम प्रकाश सिंह, 1983 के बैच के। भारत के नवनियुक्त विदेश सचिव विजय केशव गोखले, इसका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने हाल ही में आधार दर में कटौती की है। इस कटौती के बाद का
SBI का आधार दर है 8.65%, 0.30 की कमी की गई है। हाल ही में संपन्न रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब की विजेता टीम है विदर्भ टीम। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पारगमन समझौते को मंजूरी दी है? म्यांमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के अंतर्गत कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थों की पैकिंग जूट के थैलों में अनिवार्य कर दी है? 90%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जोजिला सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न बातें हैं। इसका मकसद कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह और राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए P8I सिमुलेटर सौदे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निम्न कथन है? ये सिमुलेटर मेसर्स बोइंग से खरीदे जाएंगे। इससे नौसेना बहुत कम लागत पर पायलटों को इस विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण दे सकेगी। ये विमान लंबी दूरी की पनडुब्बी युद्ध रोधी तथा समुद्री तटों की निगरानी जैसी सामरिक जरूरतों के लिए लैस हैं। महाराष्ट्र ओपन चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 के खिताब पर जीत दर्ज की है जिल सिमोन ने। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दी है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समलैंगिकता को अपराध माना है?